नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों को दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जी करेंगे भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियोज पाने के लिए। यहाँ पर शुरुआत के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने 1839 में कोलकाता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ पर फोर अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। जो यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर दिया गया है, बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है पूरी तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें, फोर नंबर का क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। तो आपके फोर अल्टरनेटिव दिए गए हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर की बात बताना चाहेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर गोपाल हरि देशमुख, जो सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फाइव नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किसने की थी। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव जो पंडित रमाबाई दिया गया है, फर्स्ट अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर छः नंबर का प्रश्न है कि सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। तो सही की बात करेंगे दोस्तों तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो दिया गया है पूरा सही है, और प्रश्न के अकॉर्डिंग डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न नंबर सेवन की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, आपको ये बताना है। यहाँ पर सत्य दिया 1830 1830 पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला जो है बंगाल नियम, फर्स्ट अल्टरनेटिव दे दिया। सेकंड की बात करेंगे, यहाँ पर जो है दिया गया है कि शारदा अधिनियम 1939 और विशेष विवाह अधिनियम 1955 दिया गया है। और डी अल्टरनेटिव बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 दिया गया है। तो सही जोड़े की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। एट नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रामधारी आंदोलन की स्थापना की थी। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव आपके फोर दिए गए हैं। तो फोर अल्टरनेटिव है बाबा राम सिंह, जो बी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जो है जैन ग्रंथ कहलाता है। तो यहाँ पर जो 14वीं पूर्व दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव में 14 पूर्व करके दिया गया, वो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो जैन जो है परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे। तो यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 24 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। तो आपको यहाँ पर उनके कुल के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो शाक्य दिया गया है सी अल्टरनेटिव में प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सांची क्यों विख्यात है, इस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिक्र किया भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार के आंदोलन से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया लेकर के लिए। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।